कितना ज्यादा देखो वो बीमार है एक हफ्ता। ब्लॉग हो तो बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। न्यू ब्लॉग की शुरुआत आज फोर लाइन हो रही है, आप देख सकते हो। और भाई आज चला रहे हम फोर व्हीलर महिंद्रा और सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं तो गाइस क्या बताऊँ, बस आज ऐसे ही सुबह सुबह घूमने का मन किया तो हम निकल गए। गाइस घूमने तो क्या है, मतलब काम से जा रहे हैं। टीशन के हिसाब से लग रहा हूँ आपको, सो के उठ के आया हूँ। और बेले बंदे को भाई काम किया होता है आपको पता है। गाइस कभी कभी मैं काम भी कर लेता हूँ, बनवाना चाट जा रहा हूँ, थोड़ा सामान है गाइस उसको छोड़ने जा रहा हूँ। मान गया मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं ऊपर सुंदरनगर से आगे भाई धूप बड़ी सेक्शन लगी है, देख सकते हो आप। बढ़िया भाई मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है आज। अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा जिस हिसाब से धूप लगी है उस हिसाब से तो भाई गर्मी भी तगड़ी होगी आज। गाइस मेरे को भी अपनी बाइक का काम भी करवाना है क्योंकि बहुत दिनों से गाइस आपने देखा होगा कि अपनी बाइक का कोई ब्लॉग नहीं आया और ना ही कोई मोटर ब्लॉगिंग किया, ना ही कहीं हम घूमने गए, ना ही गाइस संडे राइड हुई, ना कुछ हुआ। आप सब सोच रहे भाई बंदा गायब भी हो गया, कहाँ गायब हो गया। तो गाइस अब क्या बताऊँ, जिम्मेदारियां भी कोई चीज होती है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां है भाई, काम करने पड़ते हैं। गाइस मेरे भाई कुछ टाइम से थोड़ा मतलब खराब थे एक्चुअली। उसको ऐसा हुआ कि जो मतलब पीछे वाला टायर है जिसके अंदर जो भाई बैरिंग है वो वगैरह सारे खराब हो चुके हैं, मतलब टूट चुके हैं अंदर से। तो गाइस मतलब बाइक का पीछे वाला टायर बहुत ज्यादा बबलिंग मारा। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बोला है कि भाई बाइक कुछ मतलब बबलिंग मारी है पीछे से, किस वजह से। तो कल बस मैं कुछ काम से गया था तो उस टाइम देखा गाइस मतलब टायर बहुत ज़्यादा बबलिंग मार रहा था। तो मैंने चेक करवाया तो भाई बंदे ने बोला कि बस इसके बैरिंग चले गए हैं, उसके बैरिंग चेंज हो गए। उसके बाद जाऊँगा, पहले मैं अभी सुंदरनगर से आगे पहुँचता हूँ तो अभी मेरे को ज़्यादा आधा घंटा लगेगा बनवाना पहुँचने में। उसके बाद बनवाना पहुँच के सामान छोड़ के फिर मैं वापस आऊँगा। अगर मेरा भाई है उसने मेरे को काम फंसा दिया हुआ है, जो बोल रहा है कि यार चले जा मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो भाई मेरा फोर व्हीलर ले जा, सामान है उसको छोड़ा। भाई अब क्या करना, भाई की सुननी पड़ेगी, जाना तो पड़ेगा। बस अब जा रहे हैं हम। और भाई एक तो आजकल बंदे भी भाई बिजी हो गए हैं थोड़े, तो आजकल मोटो ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही है। तगड़ी राइड होने वाली है अब कुछ टाइम बाद, कुछ डिस्कशन हो रहा था बंदों के बीच में, तो चलो देखते हैं अभी पता नहीं कब तक होगी। आइडिया तो मैं कुछ नहीं दे सकता और भाई जो भी होने वाला है भाई तगड़ा ही होने वाला है। तो कुछ नहीं है, बस आप वीडियो को गाइस पूरा प्यार नहीं दे रहे हो और सपोर्ट नहीं बना रहे हो वीडियो को। गाइस सपोर्ट करो अपने भाई को, वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस अब जा रहा हूँ मैं वापस और देखते हैं बाइक का काम करवाना पड़ेगा पहले। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और ये है अपनी शाख, देख सकते हो आप। ये है गाइस फोर व्हीलर जिसमें हम सामान लेके गए थे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा देखो बबलिंग आ रहा है, देख सकते हो भाई। बैरिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गया गाइस इसके, बिल्कुल ही मतलब गंदा ही, कि बैरिंग वगैरह चेंज करवाएंगे गाइस। मतलब बहुत ज़्यादा बबलिंग मार रही है पीछे से, जैसे मैं चला रहा हूँ ना इसको, मतलब गंदी बबलिंग मार रही है भाई, गंदी ज़्यादा लग रहा है कि भाई अभी बस टायर खुल के गिर जाएगा। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ओहो फाइनली हमारे बाइक का काम स्टार्ट हो गया और भाई अभी साइड में लगा रहे हैं इसको, और अभी भाई पूरा टायर वगैरह खोलेगा और बैरिंग वगैरह चेंज होगा। आपको दिखाऊंगा मैं पुरानी बैरिंग की क्या कटिंग से होगी, क्योंकि भाई 2014 का मॉडल आपको पता है, ओल्ड मॉडल भाई, अभी तक एक बार भी इसको बैरिंग वगैरह नहीं खोले हैं। तो आज भाई खोल रहे हैं तो देखेंगे क्या कंडीशन हो रही है। वजन भाई क्विंटल होगा इसका, एक क्विंटल ज़्यादा क्या होगा। ये है गाइस बैरिंग जिसकी क्या कंडीशन हो रखी है भाई, टूट ही गया था तो अंदर ही, ये तो पता नहीं बाइक चल भी कैसे रही थी, गंदा ही गाइस गंदा ही। और गाइस ये दूसरे बैरिंग की कंडीशन देख सकते हो आप भाई, इसमें भी पूरा जंग लगा रखा है भाई, पूरा गंदा ही भाई। 2014 के बाद कभी बैरिंग बदले नहीं इसके, तो ऐसी कंडीशन होगी भाई, जाम हो रखे हैं भाई ये गंदे। गाइस यहाँ पे सीन हो चुका है, सीन ऐसा हो गया है कि जो भाई लॉय है भाई का, उसके अंदर भाई वो बैरिंग टूटा हुआ था, वो फंस गया हुआ है, वेल्डिंग करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भाई आ गए हैं, देख सकते हैं गए तो ठीक हो, टाइमली मैं इसको करवा दिया काम, नहीं तो एक कलर सीन हो जाता मेरे पास। और भाई गर्मी देख सकते हो भाई साहब, पसीना पसीना हो गया, बुरा हाल हो गया गर्मी से, देख सकते हो आप इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। थोड़ी देर 5 मिनट नहीं हुए मेरे को धूप में खड़े हुए, गर्मी से बुरा हाल हो गया। नमस्कार सर, अच्छा हेड हुआ।
तो गाइस देख सकते हो हमारा काम हो गया है। छोटी सी चीज़ ज़्यादा टाइम लगा इसको निकालने के लिए, क्योंकि मैंने टाइमली काम करवा दिया। अगर भाई थोड़ा टाइम लेट और हो जाता मैं ना इसके लिए, तो भाई कुछ भी हो सकता था, टायर भी खुल सकता, कुछ भी हो सकता था, बोलने मतलब कुछ भी। ये फिट हो गया, देखो ज़्यादा काम अभी, नहीं है अभी, अभी नहीं हुआ, टाइम लग जाएगा भाई इसको भरना। अच्छा थोड़ा और नीचे जाएगा, गंदा ही जंग लगा हुआ भाई भाई भाई, हालत खराब, साफ करना पड़ेगा इसमें, ग्रीस वगैरह करनी पड़ेगी। जैसे हमारा काम हो चुका है, टायर फिटिंग हो रही है, फिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और मतलब ये लगा 15-20 मिनट, आधा घंटे के करीब ज़्यादा टाइम लगा हुआ इसको फिट करने में। मतलब तीन वायरिंग डालते हैं भाई इसमें, दो बार रिम में डालते हैं और एक वायरिंग अपना इधर चेन इसके अंदर एक वायरिंग इसमें डालता है। तो भाई मैंने तीनों ही चेंज करवा दी, वैसे एक वायरिंग तो ठीक ही था पर मैंने तो सब लेके आ गया, तो भाई फिर चेंज करवा ही देता हूँ। गाइस तो सुबह का निकला हूँ मैं 7:30 बजे का घर से, और अभी गाइस टाइम 12 बज रहे हैं, तो भाई हालत ख़राब हो गई है, हम सब पे फिटिंग हो गई है। बस अभी बस एक नट टाइट करने के लिए, और बस इस बस ये वाला नट टाइट करने के लिए। सो फाइनली गाइस अपनी बाइक का काम हो चुका है। उसके बाद भाई आपने देखा मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्या सीन चला हुआ, किस्मत ही ख़राब चली हुई है। मैंने कुछ टाइम पहले इसको टच डिस्प्ले डलवाई थी, अब देख सकते हो भाई पूरा खोलना पड़ा सारा फ़ोन, वहाँ पे भी टाइम लग गया और पूरा दिन लग गया भाई ऐसे काम में। और गाइस अपनी बाइक का तो काम हो ही गया है, आप बाइक एकदम सेक्सी चल रही है। अब जा रहे हैं भाई घर, और इससे हालत ख़राब हो गई है, मतलब थक गए हैं भाई बहुत ज़्यादा। कुछ ना कुछ चला है भाई ज़िंदगी में, कभी बाइक में दिक्कत, कभी फ़ोन में दिक्कत, तो आप आपको बताइए ज़िंदगी में कई मोड़ आते रहते हैं, तो उसमें क्या डरना। तो चलो आज की वीडियो करते हैं यहीं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।